हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल माधुरी किचन ब्लॉग। आज हम बनाने जा रहे हैं आटे और गुड़ से गुलगुले। गुलगुले बनाने के लिए हमने ले लिया है आटा गेहूं का, और ये हमने ले लिया है गुड़। आप चाहे तो चीनी भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड़ के गुलगुले बहुत अच्छे बनते हैं। और थोड़ा सा हमने सोफ पाउडर ले लिया है, आप चाहे तो इलायची पाउडर भी फ्लेवर के लिए डाल सकते हैं। थोड़ा सा नारियल हमने चाकू से इस तरह से काट लिया है, आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। अब हमने पानी गैस पे गरम कर दिया है, आप देख सकते हैं गरम पानी में हम इस गुड़ को डाल देंगे ताकि ये अच्छे से पिघल जाए। इन्हें हम अच्छे से मेल्ट कर देंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं हमने गुड़ को पिघला लिया है। अब इस पानी को आप ठंडा कर लीजिए, नहीं तो गुलगुले अच्छे नहीं बनेंगे। पानी ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम मिक्स करेंगे आटे को और गुड़ को। गुड़ का पानी ठंडा हो गया है, अब हम एक बाउल ले लेंगे, इसमें आटे को डाल देंगे। आटा आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, और इसमें हम पानी को थोड़ा थोड़ा डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अभी हम इसमें पानी और डालेंगे थोड़ा सा। अच्छे से आप इसे मिक्स कर लेंगे। इस तरह से हम अच्छे से इसे मिक्स करके इसमें ये जिंजर पाउडर डाल देंगे और ये नारियल मिक्स कर देंगे। उसके बाद मिक्स करके हम इसे आधे घंटे के लिए रख देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हम ऐसे ही रखेंगे, इसे ज़्यादा गीला नहीं करेंगे। अब इसे हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। आधा घंटा हो गया है, आप देख सकते हैं बैटर हमारा कितना अच्छा हो गया है। अब इसमें हम थोड़ा सा दो चुटकी के करीब बेकिंग पाउडर डाल देंगे इसमें। बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा कुछ भी डाल सकते हैं जो अवेलेबल हो। थोड़ा सा नहीं तो इसको अगर आप दो से ढाई घंटे रख देंगे तो ये अपने आप इतना अच्छा स्पंजी होगा। इसे थोड़ा सा हम मिक्स कर लेंगे। फिर गैस पे हमने कढ़ाई रख दिया है, अब इसमें हम तेल डाल देते हैं। तेल को हम गरम होने देंगे अच्छे से। तेल हमारा अच्छे से गरम हो रहा है, तेल गरम हो गया है। अब इसमें हम हाथ से ही गुलगुले बनाएंगे, क्योंकि हाथ से बहुत ही अच्छे गुलगुले बनते हैं। गुलगुले आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज बना सकते हैं। अच्छे से हम तेल को घुमा देंगे और इस तरह से हम देख सकते हैं गुलगुले
नीचे से बहुत सावधानी से इसको निकालेंगे ताकि ये टूटे ना। गैस की फ्लेम हम कम पर रख देंगे ताकि ये बीच से कच्चे ना रह जाएं। बहुत ही सावधानी से बीच से हम निकालेंगे। देखिए आप कितने अच्छे से हमने इसको पलट दिया। आप इसके इसको कई दिन तक खा सकते हैं गुलगुलों को। आप गुलगुलों में गुड़ की जगह चीनी का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन गुड़ थोड़ा हेल्दी होता है, चीनी नुकसान करता है, इसलिए गुड़ में ही बनाए ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। जिधर से आपको लगे कि गुलगुले सिके नहीं अच्छे से, उधर आप उलट पलट के सेक लें। आप देख सकते हैं गुलगुले हमारे बन गए हैं। अब इसे आपको सावधानी से पलटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको किसी भी एंगल से ऐसे ऐसे कर सकते हैं। इससे पता चलता है कि गुलगुले हमारे अच्छे बन गए हैं, सॉफ्ट और मुलायम नरम गुलगुले। अब इसे हम थोड़ा सा और पका लेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। अब इन्हें हम निकाल लेते हैं। इस तरह से हम सभी गुलगुलों को निकाल लेते हैं। फ्रेंड आप देख सकते हैं कितने अच्छे गुलगुले बनके तैयार हुए हैं और बहुत ही सॉफ्ट गुलगुले बने हैं, देख सकते हैं आप। इसी तरह से आप बनाइए और बना के एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। और हमारे चैनल माधुरी किचन ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपने जो है कमेंट लाइक हमको देते रहिएगा। धन्यवाद दोस्तों।